What's up guys, this is Khuram. Guys, आज के लेक्चर में हम एच लुकअप फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. तो गाइज चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. गाइज एच लुकअप से पहले अगर आपने वी लुकअप के बारे में स्टडी नहीं किया तो मैं उन लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक को ओपन करके उन लेक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं. तो गाइज एच लुकअप का मतलब क्या है? एच लुकअप का मतलब है हॉरिजेंटल लुकअप, यानी कि एच लुकअप वर्क इन टर्म ऑफ रोस. गाइज अगर आपके डाटा के रो हेडर्स हैं तो आप एच लुकअप का फंक्शन यूज करेंगे. ये देखें आपका ये जो टेबल है, मेरे पास ये सोर्स टेबल है, इसके जो हेडर्स हैं वो रो वाइज हैं. तो अब मैं यहां पे एच लुकअप का फंक्शन यूज करूंगा. तो गाइज मैं यहां पे सबसे पहले जहां पे मैंने एच लुकअप का फंक्शन इंसर्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करता हूं और मैं टाइप करता हूं इज इक्वल टू एच लुक अप पैरेंथेसिस स्टार्ट लुकअप वैल्यू. गाइज ये लुकअप वैल्यू यानी कि जो वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं. गाइज ये वैल्यू आपकी की भी है आपके टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट करने की. गाइज ये लुकअप वैल्यू कोई भी हो सकती है, आपका आईडी कार्ड नंबर भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉई आईडी भी हो सकता है, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी हो सकता है. गाइज लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, ये लुकअप वैल्यू आपके सोर्स टेबल की हमेशा पहली रो में होगी. ये बात आपने याद रखनी है. गाइज इसका दूसरा आर्गुमेंट है टेबल रे. टेबल रे यानी कि आपका सोर्स टेबल. तो गाइज मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूं जो मेरा डाटा है और कोमा रो इंडेक्स नंबर. गाइज इसका मतलब है कि आपका आंसर कौन सी रो में है. अब देखें मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन को शो करना है और डिस्क्रिप्शन मेरे इस टेबल के एक दो दूसरी रो में है. गाइज आपने एक बात याद रखनी है, ये जो आपने रो नंबर देना है अपनी टेबल के हिसाब से देना है. ये देखें एक दो, आपने एक्सेल की रो के हिसाब से ये रो नंबर नहीं देना. अगर हम एक्सेल की रो के हिसाब से देखेंगे तो ये रो नंबर 7 बनता है. आपने ये रो नंबर अपनी टेबल के हिसाब से देना है. कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच. गाइज आप 0 लिख लें या फॉल्स लिख लें, दोनों का मतलब एग्जैक्ट मैच है. मैं फॉल्स को सिलेक्ट करता हूं, टैब करता हूं, पैरेंथेसिस क्लोज करता हूं, एंटर. ये देखें गाइज, अब गाइज इस फॉर्मूले ने काम कैसे किया है अब ये देखें. जब मैंने इसको कोड दिया CO123, उसने इस सोर्स टेबल की पहली रो के अंदर इसको सर्च किया. जब इसको CO13 मिल गया तो उसने कहा ये आपकी डिस्क्रिप्शन है. अब हम टोटल में गाइज एच लुकअप का फंक्शन इंसर्ट करते हैं. गाइज देखें मैं यहां पे कोड एंटर करता हूं तो मुझे बार बार कोड एंटर करना पड़ता है. हम क्या करते हैं इसकी लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें कोड को एंटर ना करना पड़े, जस्ट हम लिस्ट में से कोड को सिलेक्ट कर लें. तो गाइज मैं क्या करता हूं, A4 सेल को सिलेक्ट करता हूं और डाटा में जाता हूं, डाटा टैब में जाता हूं. डाटा टैब से गाइज मैं डाटा टूल सेक्शन में जाता हूं, यहां से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूं. उसके बाद गाइज मैं यहां से अलाउ में से लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं, सोर्स पे मैं क्लिक करता हूं और जस्ट मैं अपने जो जिसकी मैंने लिस्ट बनानी है गाइज उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा. गाइज ये देखें जिस कोड की मैंने लिस्ट बनानी है ये देखें उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया. जस्ट मैं ओके करूंगा और अब ये देखें जस्ट अब जहां पे एंटर कोड लिखा हुआ है जस्ट अब मुझे यहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट मैं लिस्ट में से सिलेक्ट करूंगा तो वो कोड सिलेक्ट हो जाएगा. और गाइज अब हम टोटल में एच लुकअप का फंक्शन इंसर्ट करने से पहले ये देखें ये जो टेबल है हमने इसको अपने एच लुकअप के फंक्शन में इस्तेमाल करना है. तो हम क्या करते हैं इसकी रेंज बना लेते हैं. जस्ट मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूं, ये देखें लेफ्ट साइड पे ये नेम बॉक्स है, मैं इसमें आता हूं. इस रेंज को मैं एक नाम दे देता हूं, लेफ्ट सपोज मैं नाम दे रहा हूं डाटा टेबल 1, एंटर. तो गाइज देखें अब जस्ट मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और डाटा टेबल 1 को सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा. तो गाइज अब हम एच लुकअप का फंक्शन इंसर्ट करते हैं. इज इक्वल टू एच लुकअप पैरेंथेसिस स्टार्ट लुकअप वैल्यू कोमा. गाइज अब टेबल अरे, गाइज अब मुझे ये टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मैं लिखूंगा
डाटा, तो देखें गाइस जैसे ही मैंने डी प्रेस किया ड्रॉप डाउन मेन्यू में डाटा टेबल वन लिखा हुआ आ गया है। जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं टैब दबा दूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें डाटा टेबल वन, ये खुद ही टेबल सिलेक्ट हो गया गाइस। कोमा रो इंडेक्स नंबर, यानी कि मेरा आंसर इस सोर्स टेबल की कौन सी रो में है, मेरा आंसर इस सोर्स टेबल की ये देखें 1 2 3 4 5 6 छठी रो में है। तो मैं लिखूंगा 6, गाइस फॉल्स या 0 फॉर एग्जैक्ट मैच 0 पैरेंथेसिस क्लोज एंटर। गाइस अब ये देखें, अब ये क्या करेगा, ये इस जो हमारा कोड है 0 O 1 2 इसको ये पहली रो में सोर्स टेबल की पहली रो में सर्च करेगा। जब इसको 0 O 1 2 मिल जाएगा तो ये कहेगा ये मोबाइल आपकी डिस्क्रिप्शन है और ये 8000 आपका टोटल है। तो ये इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेता है गाइस। अब जस्ट मैं यहां से ये देखें लिस्ट में से मैं कोई भी कोड को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें ये उसके अंगेंस्ट ये देखें मैंने CO124 को सिलेक्ट किया तो ये उसके अंगेंस्ट डिश वॉशर डिस्क्रिप्शन में और 14000 टोटल में एक्सट्रैक्ट करके ले आया। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपको एच लुकअप एग्जैक्ट मैच का फंक्शन समझ आ गया होगा। अब हम एच लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच की एक्सरसाइज करते हैं। गाइज मैं एच लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच की एक्सरसाइज पे आता हूं। गाइज आपके सामने ये एक शीट है, इसमें सैलरीज है, टैक्स रेट है और सोर्स टेबल है। गाइज अब मैं हर सैलरी को यहां सोर्स टेबल में नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं हर सैलरी को सोर्स टेबल में लिखूंगा तो इससे मेरा सोर्स टेबल की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब आपको यहां पे इस सोर्स टेबल में सैलरी का एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा, आपको इस सैलरी का इस सोर्स टेबल में अब अप्रोक्सीमेट मैच मिलेगा। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, हम सैलरी की बेस पे इस सोर्स टेबल में से टैक्स रेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहां पे एच लुकअप का फंक्शन इंसर्ट करता हूं, इज इक्वल टू एच लुकअप पैरेंथेसिस स्टार्ट लुकअप वैल्यू कोमा टेबल अरे। गाइस मैं अपना सोर्स टेबल दे रहा हूं, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और गाइस मैं F4 करके इसके रेफरेंसेस को फिक्स कर रहा हूं ताकि जब मैं इसको कॉपी करूंगा तो इसका ये जो रेफरेंस है वो मूव ना करे। कोमा रो इंडेक्स नंबर, यानी कि आपका आंसर इस सोर्स टेबल की कौन सी रो में है, मेरा आंसर इस सोर्स टेबल के सेकंड रो में है। तो मैं 2 प्रेस कर रहा हूं कोमा। गाइस अब हमने इसको ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच करना है। तो गाइस मैं लिखता हूं, जस्ट मैं ट्रू पे क्लिक करूंगा और टैब पे प्रेस करूंगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, पैरेंथेसिस क्लोज एंटर। गाइस ये देखिए मेरा आंसर आ गया है 6%। गाइस मैं F2 कर रहा हूं, गाइस अगर मैं इस ट्रू की जगह 1 लिखूंगा तब भी मेरा आंसर 6% होगा, यानी कि 1 और ट्रू का मतलब एक ही है। और अगर मैं इस लास्ट आर्गुमेंट को डिलीट कर दूंगा तो भी मेरा आंसर सेम रहेगा, क्योंकि एच लुकअप के अंदर अगर लास्ट आर्गुमेंट नहीं आप नहीं देते तो वो उसको अप्रोक्सीमेट ही कंसीडर करता है। गाइस मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको कॉपी करता हूं तो ये देखें ये कॉपी हो गया है। गाइस ये देखें सैलरी 65000 थी तो उसने इसको टैक्स रेट 6% दे दिया है। अगर आप ये सोर्स टेबल में आए और ये देखें 65000 पे जो टैक्स रेट है वो 6% है। लेट्स सपोज गाइस मैं इसको 64999 करता हूं तो इसका जो टैक्स रेट है वो 5% हो जाएगा। गाइज ये देखें अगर आपकी जो लुकअप वैल्यू है यानी कि सैलरी है वो 55000 के बराबर होगी और 65000 से लेस होगी तो उसका रेट 5% होगा। अगर 55000 के इक्वल होगी और 65000 से लेस होगी तो उसका रेट 5% होगा। लेट्स सपोज मैं यहां पे देखें कह रहा हूं 65000 तो उसका रेट है 6%। अगर मैं इसको 64999 कर दूंगा तो उसका रेट टैक्स रेट 5% हो जाएगा। तो गाइस अब ये देखें मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर आप यहां से 0 को डिलीट कर दें और गाइस यहां पे देखें मैं यहां पे 25000 लिख रहा हूं सैलरी में तो जो मेरा टैक्स रेट है वो 2% है। गाइस अगर मैं यहां से 25000 से मैं लिख देता हूं 24999 तो गाइस उसने एरर दे दिया है नॉट अवेलेबल। गाइज ये देखें जो आपकी ये लुकअप वैल्यू है ये आपने याद रखना है कि सोर्स टेबल की पहली वैल्यू से या बराबर होगी या ग्रेटर होगी, अगर लेस होगी तो वो ये एरर दे देगा नॉट अवेलेबल, क्योंकि
25,000 से नीचे जो भी वैल्यू होगी उसको वो नॉट अवेलेबल एरर दे देगा. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.